नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार स्वागत करता हूं इस YouTube की वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीख रहे हैं एडवांस एक्सेल वीवीएमएल। हम आपको ऑफर करते हैं एक्सेल वीवीए मैक्रो की ट्रेनिंग, जो कि आप ऑनलाइन अपने घर पे ले सकते हैं। हमारी क्लासेस ऑनलाइन रिमोट शेयरिंग सिस्टम से होती है, जो कि आप लाइव अपने घर पे बैठ के डायरेक्ट मेरे साथ ले सकते हैं। अब देखिए, सुबह के 6 बजे है, इस समय कोई ट्रेनिंग सेंटर आपको ट्रेनिंग देगा नहीं, और 7-8 बजे से आपको ऑफिस निकलना है। तो ऑनलाइन आप लाइव अपने घर पे बैठ के मेरे साथ डायरेक्ट ट्रेनिंग ले सकते हैं। और आपके मन में डाउट हो रहा होगा कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग कैसे होता है, तो हम लोग गो टू मीटिंग का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। इस गो टू मीटिंग के सॉफ्टवेयर से मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को लाइव आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे टेलीकास्ट करूंगा, और हेडफोन के जरिए हम आपस में कम्युनिकेट करेंगे। जो भी क्वेश्चन से डाउट है, उसी समय आप लाइव मेरे साथ पूछ सकते हैं। मतलब कि क्लासरूम से हमारी ये बेटर ट्रेनिंग होती है, क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग बनती है, इसमें फ्री रीज्वाइनिंग की फैसिलिटी है, तो बहुत सारे फीचर्स इसमें अवेलेबल है, जिस कारण से क्लासेज क्लासरूम से बेटर होता है। अब देखिए, मेरे साथ सुबह में एक शुभम कौशिक जी जुड़ रहे हैं, जो कि मेरे साथ लाइव अभी क्लासेस लेंगे। तो देखिए, मैं कैसे उनको मैं वीबीए प्रोग्रामिंग की क्लासेस दे रहा हूँ। अगर आपको एक ट्रेनिंग ठीक लगे कि हाँ, इस तरह के क्लासेज आपके लिए बेनिफिशियल है, आप ले सकते हो, तो मेरी डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं आप। मेरी 3 से 4 फ्री डेमो क्लासेस होती है, जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। 3 से 4 डेमो क्लासेस लीजिए, अगर आपको डेमो पसंद आती है तो आप ज्वाइनिंग प्रोसेस को फॉलो कीजिए। डेमो लेने के लिए मेरी वेबसाइट iptindia.com पे चले जाइए। यहाँ पे मेरी डेमो क्लासेस का फॉर्म मिल जाएगा, मेरे कोर्स डिटेल्स मिल जाएंगे, आप एक बार ज्वाइन कीजिए लाइव मेरे साथ। तो शुभम जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन में हम आपके साथ वीवीए प्रोग्रामिंग पे डिस्कस कर रहे थे। तो जैसे कि लास्ट क्लासेज में मैंने आपको वीवीए प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स बताए थे, कि हम क्यों यूज करते हैं, किस तरह का बेनिफिट्स हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किए थे। और हम वीवीए प्रोग्रामिंग के मदद से क्या क्या बनाएंगे एक्सेल में, और किस पर्पज से बनाएंगे, जैसे कि माइक्रो यूजर फॉर्म एंड आपके क्या बोलते हैं फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं रिकॉर्डिंग मैक्रो के ऊपर, व्यू में, या फिर डेवलपर में आप जाओगे तो रिकॉर्ड मैक्रो आपको मिलता है। उससे पहले हम आपको प्रिपरेशन द यूजिंग मैक्रो बता दूं, कि जब भी आप मैक्रो इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या चीज पहले करके रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, कि एल्गोरिदम होना चाहिए आपके पास। आई होप आपने एल्गोरिदम के बारे में समझ से कुछ बनाया भी होगा। जी एल्गोरिदम के बाद दूसरा आता है कि आपका जो सिक्योरिटी है, मैक्रो सिक्योरिटी है, वो अनेबल होना चाहिए। यहाँ अनेबल ऑल मैक्रो, ठीक है। बाय डिफॉल्ट डिसेबल विथ नोटि डिसेबल ऑल माइक्रो विथ नोटिफिकेशन होता है। डिफॉल्ट जो सेटिंग होती है वो होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मैक्रो के साथ हो सकते हैं वायरस टाइप का ये मैक्रो आ जाता है। तो अनेबल मैक्रो से क्या होता है कि आपसे वो कंफर्मेशन नहीं पूछा मैक्रो रन करने के लिए, वो बाय डिफॉल्ट उसको मतलब कि आपके सिस्टम में अटैच कर लेगा, मतलब कि उसको मैक्रो लिस्ट में आपको शो कर देगा, या भी जो इवेंट वगैरह है उसको रन कर दे। तो अगर आप मैक्रो यूज करते हो तो आप मैक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना होगा। मैक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करने से पहले आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए। ये बाय डिफॉल्ट जो है डेवलपर टैब नहीं होता है, तो डेवलपर टैब लाने के लिए आप क्या कीजिए, इस पे एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में होता है कस्टमाइज रिबन, यहां से आप लेके आ सकते हैं, ठीक है, यहां पे डेवलपर टैब। दूसरी चीज है कि आप जब भी एक्सेल में मैक्रो यूज करें तो उसका जो ए है सेव, जो है जो कंट्रोल एस करने पे जो सेव करते हैं, उसका जो आपका एक्सटेंशन जो होता है, मतलब कि जो आपका सेव एज टाइप होता है, वो सेव एज टाइप जो है वो आपका
डॉट XLSM मतलब कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक होना चाहिए। इस बात पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर आपने माइक्रो अनेबल वर्कबुक पे सेव नहीं किया तो दिक्कत क्या होगी, दिक्कत होगी ये कि आपका माइक्रो वर्क नहीं करेगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम तो करेगा, जैसी फाइल आपने सेव करोगे सारे के सारे माइक्रो उड़ जाएंगे क्योंकि माइक्रो डिसेबल हो जाते हैं। ठीक है सर जी, इसको बाइनरी फाइल में भी सेव कर सकते हैं, वो तो सही रहता है। बाइनरी फाइल मैंने ट्राई नहीं किया कभी सर। बाइनरी फाइल तो हम यूज इसलिए करते हैं जब आपके पास लार्ज डेटा होता है और काफी बड़ा उसका साइज होता है तो बार बार उसको रन करना दिक्कत हो जाता है, ओपन करने में दिक्कत होता है उसके ऑपरेशन में, तो हम बाइनरी फॉर्म में सेव करते हैं। लेकिन बाइनरी फॉर्म में फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं आती, दिक्कत आता है सर। आ जाता है, कोई सी फाइल आप सेलेक्ट करिए और उसको बाइनरी में ही सेव करिए, ठीक है, XLSB। हाँ, एक्सेल माइक्रो अनेबल जो एक्सेल होते हैं उसमें इवेंट वगैरह बाकी चीजें चलती है, बाइनरी को मैंने टेस्ट नहीं किया है इसमें, मैं बाइनरी रिकमेंड नहीं करता किसी को। इसमें हाँ यही वाला, इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको ये XLSM हमेशा सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, हमेशा इस फाइल को सेलेक्ट करिए तो आपका मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक आएगा और नॉर्मल वर्कबुक तो आएगा। हाँ, मैं इसके लिए डिफॉल्ट, अगर चाहते हैं कि डिफॉल्ट आपका माइक्रो अनेबल वर्कबुक हो तो आप एक्सेल सेटिंग में जाके सेव में जाके बिल्कुल सेव एज में, यहां से सेलेक्ट कर दीजिए तो आपको हर बार जब भी फाइल सेव करोगे ये आपका माइक्रो अनेबल वर्कबुक ही सिलेक्ट होगा, यहां से आप रिसेट कर सकते हो। तो एक कुछ प्रिपरेशन है यूज करने के लिए माइक्रो, तो ये आपको मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो। आपके पास एक्सेल में एक ऑप्शन है कि आप जो है माइक्रो को रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो रिकॉर्ड माइक्रो क्या करता है कि आपके इवेंट को जो भी आप माउस से इवेंट करते हो या कीबोर्ड से करते हो उसको कोड में कन्वर्ट करता है। जैसे कि एग्जांपल हमने रिकॉर्ड माइक्रो पे क्लिक किया, अब यहां पे जैसे कि मैंने लिखा नेम रोल एंड मार्क्स, तो रिकॉर्डिंग माइक्रो ने क्या किया, इसकी अगर एडिट करूंगा तो आप देखो कि कोड में कन्वर्ट कर दिया। आपको वीवीए प्रोग्रामिंग ही ऐसी ही करनी है, वीवीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी ही होती है, तो उसने आपके इवेंट को कन्वर्ट कर दिया कोड में। अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठ के आता है, जब खुद ब खुद एक्सेल खुद प्रोग्रामिंग कर देता है तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीखे क्या? तो देखिए ये जो प्रोग्रामिंग आपको कर रहा है ये प्रोग्रामिंग जो है ये डायनेमिक नहीं होता है, रिपीटेशन नहीं होती है, तो आपको सीखना पड़ेगा, कुछ हद तक इसका काम कर सकते हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो का। तो दूसरा बात आती है कि हम रिकॉर्डिंग माइक्रो को किस हद तक यूज कर सकते हैं, तो चलिए उसके लिए हम एक एग्जांपल आपके साथ करते हैं कि रिकॉर्डिंग माइक्रो को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग माइक्रो को हम सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, पहले बता देता हूं। कभी कभी कुछ ऐसा और कोडिंग है जिसको हमें भूल जाते हैं या फिर समझ में नहीं आता इसकी कोडिंग क्या होगी, तो हम रिकॉर्ड करके उसकी कोडिंग देख लेते हैं, या फिर एक बड़े से प्रोजेक्ट में हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इसको सिलेक्ट करते हैं, मैं इसको लिख रहा हूं। अभी क्या है कि मेरे पास डेटा है और मैं इस डेटा पे पिवट लगा रहा हूं, ठीक है। ये पिवट रिकॉर्डिंग में नहीं है, डिपार्टमेंट कर दिया और मैंने नहीं, यहां पे डिपार्टमेंट होगा, यहां पे नहीं डिपार्टमेंट होगा, सिटी कोड होगा, यहां पे सिटी कोड, परफॉर्मेंस स्कोर एंड सैलरी का डॉट, ये रिपोर्ट हमारे पास है। अभी क्या है कि मुझे इस पे डिपार्टमेंट वाइज जो है बनाने होते, तीन चार डिपार्टमेंट वाइज बनाने होते, तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए, ये मैं दो सी डिलीट कर देता हूं।
तो हर बार क्या करना होता है मुझे फिल्टर इसको रिफ्रेश करना होता है, और रिफ्रेश करके इसको फिल्टर करके डेटा को कॉपी पेस्ट करना होता है। तो चलिए रिकॉर्डिंग मैक्रो की मदद से क्या कर सकते हैं। ओके मैंने इसको पहले तो रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश, उसके बाद फिर मैं एक यहाँ पे अकाउंटिंग इसको फाइनेंस अकाउंटिंग सेलेक्ट किया, फिर डेटा को यहाँ एनालाइज में गए, यहाँ सेलेक्ट में सेलेक्ट एंटायर पिवट टेबल सही रहेगा, कॉपी किया, नई सीट ऐड की, वहां पे पेस्ट किया, और यहाँ पे मैं लिख दिया अकाउंटिंग। ये रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। वापस सीट फोर पे आया, हमने नेक्स्ट सेलेक्ट किया, एडमिनिस्ट्रेटर, या मान लो कि मैंने फाइनेंस को सेलेक्ट कर लिया, फाइनेंस, सेम एनालाइज में गए, सेलेक्ट एंटायर पिवट। ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि हर अगर हमने फिक्स कर दिया तो हर बार जो है इसका रेंज कम या ज्यादा होता है ना, तो यहाँ ऊपर सेलेक्ट करने पे वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि हाँ कितना लेना है। सीट इंसर्ट किया एंड पेस्ट कर दिया। अब जब भी आप रिकॉर्डिंग मैको का इस्तेमाल करो, अब इसे यहाँ पे दिक्कत हो गई, मुझे पेस्ट वैल्यू करना था दोनों पे, तो कंट्रोल जेड का इस्तेमाल, मैं बोलने वाला था, हाँ कंट्रोल जेड का जो है हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं एल्गोरिथम बनाने के लिए बोला था ताकि इस तरह की गलती ना हो। आईटी हमने सिलेक्ट किया एंड ओके, एंड सेम मैं एनालाइज में गया एंड एंटायर पिवट टेबल एंड कॉपी किया और एक नई सीट ऐड किया, और वहां पे इसको हमने इस पे पेस्ट वैल्यू कर देते। चलिए पेस्ट वैल्यू एंड अगेन पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए फॉर्मेट। फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। उसके बाद हम मैक्रो को स्टॉप करते हैं। अभी ये प्रोग्रामिंग हमने कर ली, लेकिन प्रोग्रामिंग अभी इतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि इसमें कुछ गलती है। चलिए गलती क्या है उसको देखते हैं एडिट करके। तो ये देखिए लैंग्वेज प्रोग्रामिंग है, जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज है, सीट रेंज पिवट इस सब आप जानते हैं, इसको आप हैंडल कर सकते हो। जैसे रिफ्रेश हुआ, डिपार्टमेंट हुआ, इसमें गलती क्या है, गलती आपका ए है सीट को, क्योंकि जब भी हम सीट यहां पे क्या हो रहा है, सीट ऐड हो रहा है, ठीक है सर। तो हर बार जब हम सीट ऐड करेंगे तो उसका सीट नेम जो है वो आपका सीट फाइव तो नहीं होगा, कुछ और भी हो सकता है। तो इसीलिए यहां पे हम इसको डिलीट करेंगे और यहां पे एक्टिव सीट डाल देंगे। तो छोटा सा हमें ये प्रोग्रामिंग चेंज करनी है सब में, बाकी जितना जहां जहां ये प्रॉब्लम है वहां वहां। ठीक है, अब ये प्रोग्राम जो है मेरे लिए इफेक्टेबल हो गया। अब मैं एक बार बाकी सब और भी तो थे सर, एक मिनट, और भी तो थे, हाँ और भी थे शायद, तीन होगा ना, सीट सिक्स भी होगा और सीट सेवन भी होगा। तो हमने सीट फोर एक्टिव सीट हो गया, सिलेक्ट किया, लिसनर को भी एड पेस्ट, नहीं नहीं बाकी में एक्टिव सीट पेस्ट ही हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि हमने सीट को रिनेम नहीं किया ना, रिनेम करता तो दिक्कत था, तो मैंने रिनेम नहीं किया था सर, जस्ट कदर छोड़ दिया था। अच्छा ठीक है, अब मैं इसको अपने मैक्रो को रन करूंगा, रन मैक्रो, तो देखा आपने पूरा एकदम परफॉर्म हो गया। तो इसमें क्या हुआ कि अगर हम ये थोड़ा छोटी मोटी चेंजिंग नहीं करते तो फिर हमारा अच्छे तरह से परफॉर्म नहीं करता, क्योंकि वीवीएम रिकॉर्डिंग मैक्रो जो है वर्क तो करता है, लेकिन जब तक उसमें छोटी मोटी आप चेंजिंग नहीं करोगे तब तक आपका परफॉर्म नहीं करेगा। अब एक और एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, चलिए
फिल्टर वाले एग्जांपल में दिखाता हूँ रिकवरी मैक्रो को। जैसे मान लीजिए कि मुझे डेटा को सेपरेट करना है और मैं जैसे रन करूं, मुझसे एक पॉपअप पूछे, पॉपअप में जो डेट डालूंगा उसी के अकॉर्डिंग वो डेटा को चेंज करेगा। ठीक है, क्या थे? मैं जैसे रन करूं तो एक मुझसे इनपुट बॉक्स में पॉपअप दे, उस पॉपअप में जो मैं काम मैंने डिपार्टमेंट डालूंगा उसके अकॉर्डिंग वो डेटा को कॉपी करके सेपरेट कर देगा। ठीक है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग मैक्रो को इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्ड एंड ओके। फिल्टर लगाया हमने, फिल्टर लगाने के बाद हमने यहाँ पे डेटा उठाया, मान लीजिए मैंने उठाया फाइनेंस। फिर हम डेटा को, अब जैसे डेटा की सिलेक्शन जब भी आप रिकॉर्डिंग मैक्रो में कीजिएगा ना तो माउस से मत कीजिएगा, क्योंकि फिर एक फिक्स रेंज हो जाएगा ना इस कारण से। लेकिन फिक्स रेंज हमेशा नहीं रहेगा ना, डेटा कम ज्यादा तो हमेशा होते रहते हैं। हाँ। तो कैसे करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल शिफ्ट और एरो इस्तेमाल करेंगे एंड कॉपी कीजिए। एक नई सीट ऐड किया, उसमें मैंने पेस्ट कर दिया और इस सीट का नाम दे दिया फाइनेंस एज ए वैल्यू किया ना। हाँ, उन नॉर्मल कर दिया, आप एज ए वैल्यू कर दीजिए, आप पे डिपेंड करता है। अब अपने अकॉर्डिंग इसको चलिए चेंज करते हैं। तो एडिट पे गए, सबसे पहले यहां पे दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत यहां पे हो रही है, ये तो हटाना पड़ेगा कि ए, यहां पे जो देख रहे हो A1 से I103, मतलब कि इसने फिक्स कर दिया, फिक्स हो गया, जो कि हमें फिक्स नहीं रखना है, क्योंकि फिक्स अगर रखूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमेशा डेटा इतना ही फिल्टर लगेगा, लेकिन डेटा तो मेरा कम और ज्यादा होते रहता है। तो जैसे कि मैंने देखा आपको, बताया आपको कि जैसे कि हम एक सेल कंट्रोल एक पे भी हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करते, कंट्रोल शिफ्ट एल करते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं, तो मेरा फिल्टर अप्लाई हो जा रहा है क्या जी? तो वही मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहां पे बाकी रेंज हटा दूंगा, मैं सिर्फ A1 रखूंगा कि A1 पे फिल्टर अप्लाई करें तो ऑटोमेटिक बाकी फिल्टर लग जाएगा। उसके बाद यहां पे सीट डॉट ऐड हुआ, सीट पेस्ट हुआ और यहां पे, लेकिन सर अभी तो हो गया, कभी कभी नहीं हो पाता, जैसे अगर बहुत बड़ी फाइल होती है तो सर उसका एक रीजन है, क्योंकि बीच में स्पेस हो या तो बीच में स्पेस नहीं, अगर आपका पूरा का पूरा रो अगर ब्लैंक है तो फिर आपका यहीं तक का होगा, इसके नीचे नहीं होगा, एक कंटिन्यूअस को फॉलो करता है। तो उस केस में हमारे पास डायनेमिक रेंज सिलेक्शन है, उसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि आगे क्लासेस में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नहीं है तो हटा देते हैं, हमने यहाँ पे एक्टिव सीट डॉट फेस्ट फाइनेंस कर दिया। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि जब मैं रन करूं तो मुझ सीट पूछे सीट नेम, मैंने ये क्या बोलते हैं फिल्टर का जो है हाँ डिपार्टमेंट नेम मुझसे पूछे, तो उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए हम यहां पे देंगे एक सिंपल सा कि डिपार्टमेंट है डी इक्वल टू इनपुट बॉक्स और यहां मैंने बोल दिया एंटर योर नेम योर आई डिपार्टमेंट सॉरी। तो इनपुट बॉक्स क्या करता है कि एक पॉपअप देता है, जैसे आप इसको रन करोगे ना, जैसे मैंने इसको रन किया तो इस तरह का पॉपअप देगा, तो इस पॉपअप के लिए हमने इस्तेमाल किया है इनपुट रेंज। ठीक है, हुँ।
और उसके बाद ये जो उस पे जो वैल्यू डालेगा वो डी पे स्टोर होगा। अब डी क्या है, तो आप मैथ इसको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग एबीसीडी इस्तेमाल करते होंगे ना, तो उस मैथमेटिक्स में एक्स वाई जेड एबीसीडी इस तरह से आप यूज करते हैं, तो क्या होता है एबीसीडी जरूरी तो मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। आप ऐसे डिफाइन कर लेते हैं टेम्पररी वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जैसे आपने बोल दिया x इक्वल टू 100 और जहां जहां 100 की जरूरत हो वहां वहां x आप यूज करते हो। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे टेम्पररी वेरिएबल d नाम का ले लिया जो कि इनपुट बॉक्स की वैल्यू को अपने पास स्टोर रखेगा और जहां जहां उसकी वैल्यू चाहिए वहां वहां हम d को लिख देंगे कि इक्वल टू d एंड इक्वल टू d। क्लियर है? अब जैसे इस मैक्रो को हम प्ले करेंगे, यहाँ पे देखिए रिकॉर्ड मैक्रोज, और जैसे मैं इसको इसको रन किया तो रन करते मुझसे पूछा तो मैंने यहाँ पे दे दिया आईटी, एंड जहां जहां आईटी की जरूरत पड़ेगी वहां वहां डी अपना आईटी को फॉरवर्ड कर देगा और फिर हमारे पर फॉर्मेटिंग मिल जाएगा, डेटा स्ट्रैक हो जाएगा, इसको डेटा सेपरेशन कहते हैं। अब इसमें अब चलिए इस तो आइए आप समझ गए आप, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप ये है कि जब भी मैं रिकॉर्ड मैक्रो कर रहा था तो यहां पे स्टोर इन मैक्रो दिस मैक्रो ए क्या होता है मैक्रो, तो हम सीखते हैं टाइप ऑफ मैक्रो में के बारे में, टाइप ऑफ मैक्रो, टाइप ऑफ मैक्रो क्या होता है। देखिए मैक्रो दो तरह, दो मैक्रो की दो कैटेगरी है, पहला है पब्लिक मैक्रो, पब्लिक मैक्रो मतलब जब हम इसको रन करते हैं, जब इसको माने कि रिकॉर्ड करते हैं या फिर खुद से कोडिंग भी आप कीजिएगा तो जनरली मैक्रो ही होती है, पब्लिक मैक्रो ही होती है, स्टोर मैक्रो दिस वर्क या न्यू वर्क जो भी होता है वो आपका पब्लिक मैक्रो होता है। मतलब कि आपका जो एक कोडिंग है जो हमने अभी कोड मैक्रो ने रिकॉर्ड किया या आप खुद जो कोड करोगे वो इसी बुक वन में स्टोर हुआ है। तो इसके दो फायदे हैं, पहला फायदा ये है कि जहां जहां बुक वन ट्रेवल करेगी वहां वहां इसका मैक्रो भी इसके साथ में जाएगा क्योंकि इसी के प्रॉपर्टी में सेम है, मतलब कि बुक वन फाइल में आपको भेजू तो आप इस मैक्रो को एक्सेस कर सकते हैं, तो पब्लिकली इस मैक्रो कोई भी एक्सेस कर सकता है जहां जहां फाइल रहेगी, इसलिए इसको पब्लिक मैक्रो में रखा गया है। दूसरा बेनिफिट है कि जब तक ये फाइल हमारा ओपन है हम किसी भी और मैक्रो में भी, किसी और फाइल में भी इसको रन कर सकते हैं, ये पब्लिक मैक्रो आता है। पब्लिक मैक्रो के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है और नेक्स्ट ऑप्शन आता है प्राइवेट मैक्रो। ठीक है, प्राइवेट मैक्रो, प्राइवेट मैक्रो दो पार्ट है, एक है हमारा पर्सनल मैक्रो, पर्सनल मैक्रोज। तो पर्सनल मैक्रोज क्या करता है कि अभी इसे जैसे मैं बताया कि जहां जहां मेरा फाइल जाएगा वहां वहां तो रन करेगा, लेकिन अगर मैं इस मैक्रो को दूसरे फाइल पर रन करना चाहूंगा तो इस बुक वन का ओपन होना जरूरी है। क्या सर? नहीं समझा सर। मतलब कि जो अभी हमने मैक्रो थ्री बनाया है ना, मैक्रो टू एंड थ्री है, तो ये रन कर इस पे बुक वन में रन करेगा क्योंकि बुक वन में स्टोर है। अगर मैं यहां मान लो डेटा वन पे जाऊं तो डेटा वन पे भी रन करेगा, लेकिन कब? जब आपका बुक वन ओपन है, मतलब जिस फाइल में आपका ये मैक्रो बना हुआ है वो मैक्रो आपको ओपन होना चाहिए, तभी आप दूसरे फाइल में इसको रन कर सकते। हाँ वो तो खैर जब पब्लिक रहेगा तभी तो फेच कर पाएगा, अदरवाइज ये फेच ही नहीं करेगा। नहीं, जब तक वो फाइल ओपन रहेगा तभी तो उसकी लाइब्रेरी में उसका इंफॉर्मेशन आएगा। एक्सेल में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब तक आपका वो फाइल ओपन है तभी तो उसकी कंपोनेंट आपके लाइब्रेरी में शो करेगा, जैसे फाइल क्लोज होगी उसके कंपोनेंट उसके लाइब्रेरी में शो नहीं करेगा। अच्छा अच्छा ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि जब फाइल आपकी ओपन रहेगी तभी उसके पब्लिक मैक्रोज आपको या पर्सनल मैक्रोज जो भी आपको यहाँ पे शो होगा, अदरवाइज उसके मैक्रोज शो नहीं होंगे। तो यहाँ पे दिक्कत ये आती है कि मुझे कुछ
एक तो हुआ कि मैं एक मैक्रो दो तरह से बनते हैं कि एक तो होता है कि हम इसी पर्टिकुलर फाइल के काम कुछ के लिए हम डेटा बना रहे हैं, मैक्रो बना रहे हैं जो कि इसी फाइल के डेटा भी यूज करेंगे। एक मैक्रो ऐसा होता है ना कि जो कि ग्लोबली हर फाइल के लिए हम यूज करते हैं, एक ऑप्शन टाइप का, जैसे कि पिवट टेबल के जैसे ऑप्शन है, जैसे फिल्टर ऑप्शन है, उस तरह के एक ऑप्शन क्रिएट करना है, एक एक्सेल का एक टूल्स क्रिएट करना है जो कि जिस फाइल में आपको जरूरत पड़ेगी उस फाइल में उसको यूज कर ले, या एक फॉर्मूला क्रिएट करना है जहां मुझे इसकी जरूरत पड़ी वहां इसका इस्तेमाल कर ले, समझे। तो उसमें अगर मैं पब्लिक मैक्रो में बनाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, प्रॉब्लम होगी कि मुझे उस फाइल को ओपन करना पड़ेगा, क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर इस फाइल को ओपन नहीं करेंगे तो उसकी लाइब्रेरी फेच नहीं होगी और रीड नहीं करेगा अगर दूसरी फाइल में हम चलवाना चाहते हैं वही सेम मैक्रो, है ना? सही कहा आपने। हाँ जी, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे हमारा प्रॉब्लम ए ना हो, बिना ओपन किए कॉल हो जाए मैक्रो। तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं पर्सनल मैक्रो, मतलब कि जब आप इसको रिकॉर्ड करते हो तो यह स्टोर इन पर्सनल वर्कबुक। तो ये क्या करता है कि स्पेशली इसके लिए एक अलग से फाइल बना के इसकी लाइब्रेरी में, पर्सनल लाइब्रेरी में इसको सेव कर देता है। अच्छा, इससे बेनिफिट क्या होता है, वर्कबुक ओपन नहीं करनी होगी। हाँ, इसको इससे बेनिफिट ये होता है कि फाइल को ओपन नहीं करना पड़ेगा और ये आपके एक्सेल का एक पार्ट बन जाएगा, किसी भी फाइल को खोलोगे तो आपका यहाँ पे वो शो करेगा। अच्छा, हमेशा हमेशा। अब क्वेश्चन ये उठता है तो फिर इसको पर्सनल मैक्रो कैटेगरी में क्यों रखा गया, तो पब्लिक होना चाहिए ना जी। सर आवाज नहीं आई सर, क्या बोल रहे थे? तो इस पर्सनल, इसको पर्सनल मैक्रो कैटेगरी में क्यों रखा गया, इसको पब्लिक मैक्रो में रखना चाहिए ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो पर्सनल मैक्रो कैटेगरी में से रखा गया कि फिर वो आप इसे, मैंने अगर पर्सनल मैक्रो मान लीजिए कि पर्सनल मैक्रो क्रिएट किया तो पर्सनल मैक्रो मेरी इसी पीसी के लिए होगा, इस फाइल के साथ आपके पास नहीं जाएगा, समझे। क्योंकि जब हम रिकॉर्ड करते हैं या कोड करेंगे तो इसकी जो स्टोरेज है ये इसी सिस्टम के किसी ऑफिस की लाइब्रेरी में, इफ बुक वन की प्रॉपर्टी में नहीं है। तो बुक वन की प्रॉपर्टी में नहीं है, जाहिर सी बात है जब बुक वन आपको भेजूंगा तो एक मैक्रोज है आपको एक्सेस नहीं होंगे। तो ये मैक्रोज जो होंगे वो एक्सेस कब हो, कहां होंगे, मेरे इसी पीसी में जिस पीसी ने मैंने क्रिएट किया है। तो ये पर्सनल एक पीसी के लिए होता है, पर्सनल एक यूजर के लिए होता है, न कि हर किसी के लिए होता है, इसलिए इसको पर्सनल मैक्रो की कैटेगरी में रखा गया है। ओके, तो फिर तो इसका बहुत जॉब है, क्या इसको यूज करना अच्छा नहीं है? नहीं, ऐसे मैं आपको बताया ना कि आपको एक टूल्स क्रिएट करना है तो हाँ। आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो ना, किसी के लिए तो क्रिएट कर रहे हो। मैंने अब मैं कंपनी में करूंगा अगर क्रिएट, तो ये फिर वर्कबुक में ये मैक्रो क्यों यूज करूंगा जब हाँ। मुझे कहीं ना कहीं एट द एंड मैनेजर को ही भेजना होगा, अपने क्लाइंट्स को भेजना होगा। आप जैसे कि आपके आपने एक रिपोर्ट बनाई, आपने एक आपकी रिपोर्ट है उसके लिए आपने एक मैक्रो बना लिया, ठीक है ना। तो आप किसी भी पीसी पे क्लिक करोगे और आपका रिपोर्ट बन जाएगा, किसी भी क्या बोलते हैं एक्सेल फाइल में, या फिर आपने एक फंक्शन बना लिया ऑल वी लुकअप, फॉर्मूला बनाया ऑल वी लुकअप, वो आपको किसी भी फाइल में यूज करना पड़ सकता है ना। अब स्पेशली एक ही फाइल, क्योंकि अगर आप मैक्रो इसके अंदर में रखोगे पब्लिक मैक्रो की कैटेगरी में, अगर फंक्शन को रखोगे तो क्या होगा कि आपको ऑल मैक्रो यूज, ऑल वी लुकअप यूज करने के लिए वो फाइल ओपन करनी पड़ेगी। ऐसे भी क्या है कि पर्सनल मैक्रो कैटेगरी में रखोगे तो आपको ओपन करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्सेल फॉर्मूले का एक पार्ट हो जाएगा, एक्सेल का एक पार्ट हो जाएगा, नहीं समझे। एक हाँ, मतलब मेरे लिए है, मेरे अपने सिस्टम के लिए। आपके लिए, अपने लिए। हाँ
हाँ ठीक है, समझ और किसी के लिए जरूरत नहीं होगी। अगर आपको भेजना है हर किसी को तो उसके लिए आप पब्लिक मैक्रो में डाल के भेजना पड़ेगा। तो चॉइस आपके ऊपर है कि आप कैसे यूज कर सकते हो। पर्सनल मैक्रो के बाद दूसरा आता है हमारा इवेंट मैक्रो। ठीक है, इवेंट मैक्रोज। तो इवेंट मैक्रोज क्या करता है? इवेंट मैक्रोज मतलब कि जैसे कि अब मान लीजिए कि मुझे अगर बुक वन क्या बोलते हैं मैक्रो टू को रन करना है तो मुझे जाके इस पे रन पे क्लिक करना पड़ेगा। एक स्पेसिफिक लोकेशन है जब मैं चाहूं तो रन करूंगा। इवेंट मैक्रो होता है कि जब यूजर कोई ऐसा काम करे उसी समय मेरा ये हो जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं चाहता हूं कि जैसे वो सीट 15 पे जाए या मान लो कि सीट 1 पे जाए तो जाते उससे पासवर्ड पूछे, उससे क्या करे? पासवर्ड पूछे, पासवर्ड डाले तभी अच्छा सीट पे वर्क करने दे, अदरवाइज उसको किसी और सीट पे जो है मूव कर। ठीक है, प्रोटेक्ट करना। हाँ, एक तो प्रोटेक्ट अलग हो गया कि आप प्रोटेक्ट करोगे तो विजुअल तो हो पाएगा ना प्रोटेक्शन में भी। मैं आप यहां से प्रोटेक्ट शीट आपने कर दिया तो अगर मैं इस पे चेंजिंग नहीं कर सकता लेकिन डेटा देख तो सकता हूं, कॉपी कर सकता हूं, तो मैं चाहता हूं कि इस पे जाते ही पासवर्ड पूछे या फिर मैं कहीं जहां भी क्लिक करूं वो सेल हाईलाइट हो जाए, कलर हो जाए। तो उस केस में हम इवेंट मैक्रो यूज करते हैं। तो जैसे राइट क्लिक किया और मैंने किया व्यू कोड और मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे वर्कशीट और यहाँ पे कर दिया कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। ठीक है, अब मैं इस सीट पे जहां जहां भी कर्सर रखूंगा कलर करूंगा तो ए मेरा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो ये जो है ए बी कोड जो है, कोड कब परफॉर्म कर रहा है? जब यूजर क्लिक कर रहा है। कहां क्लिक कर रहा है? सीट 515 पे, मतलब कि कहीं और करेगा तो नहीं होगा, सिर्फ सीट 15 के लिए कोड किया गया है। हाँ, वर्कशीट पे एक स्पेसिफिक वर्कशीट पे व्यू कोड करके आपने कोड किया ना। हाँ, मतलब कि इवेंट मैक्रो का यूज होता है कि एक स्पेसिफिक लोग एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई एक स्पेसिफिक इवेंट होता है उस समय आपका जो मैक्रोज है परफॉर्म करता है वो इवेंट मैक्रो के अंदर कहलाता है। जैसे किसी ने राइट क्लिक किया, किसी ने डबल क्लिक किया या किसी ने कर्सर लेके गया, तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो इवेंट्स मैक्रो के अंदर में आते हैं और आपका जो यूजर फॉर्म है पूरा का पूरा इवेंट मैक्रो है। ठीक है, तो मैक्रो के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा पब्लिक दूसरा प्राइवेट, और प्राइवेट के भी दो पार्ट होते हैं पर्सनल एंड इवेंट। एज पर रिक्वायरमेंट आपकी जो रिक्वायरमेंट क्या है, आपका जो आउटपुट क्या है उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो कि आपका मैक्रोज क्या होना चाहिए, कौन सा मैक्रोज अब सही रहेगा। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैक्रोज और फंक्शन कि आप फॉर्मूले कब बनाना है और मैक्रो कब बनाना है ये डिसाइड आपको अपने चॉइसेस के अकॉर्डिंग करना है। और अभी मैं बता रहा हूं कि पब्लिक मैक्रो हो या प्राइवेट मैक्रो हो कैसे बनाना है ये भी आपको डिसाइड अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग करना है। दोनों का अलग अलग फीचर्स है लेकिन दोनों जितने भी चीजों में जो प्रोग्रामिंग यूज होगी वो प्रोग्रामिंग सेम होगी। मतलब कि जो मैंने एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर कलर इक्वल टू वीवी रेड लिखा हूं मैं एक कोडिंग हर कैटेगरी में सेम करूंगा, बस उसकी लुक स्टोरेज और रनिंग का जो टाइप होगा वो चेंज होगा, कोडिंग आपके सब में सेम रहेगी। समझ गया? इसमें नहीं नहीं अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो। अच्छा सर, ये जैसे ये वाला था कि लाइक एक शीट से हम कॉपी करा रहे डेटा को और उसको जो है स्पेसिफिक टैब में ले जाके पेस्ट करना है डेटा को, तो वो कैसे करेंगे? वो भी करेंगे, वो जब मैं रेंज का पार्ट समझाऊंगा तो चीज आपको समझा दूंगा। अभी तो मैं आपको जस्ट अच्छा पार्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अभी ये सारे कोडिंग कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो लैंग्वेज स्टार्ट, अच्छा अभी तो मैं लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले बता रहा हूँ कि कैसे किस तरह से करोगे। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो, क्योंकि आपको कोडिंग करने से पहले मैक्रो डिक्लेयर करना आना चाहिए। तो विजुअल बेसिक पे आप क्लिक करोगे और मैक्रो जब भी हम डिक्लेयर करते हैं, मैक्रो यूज करते हैं तो हम मॉड्यूल्स में करते हैं, रिकॉर्डिंग में जब भी होती है तो मॉड्यूल्स में ही ऑटोमेटिक रिकॉर्ड कर देता है।
जी तो सबसे पहले आपके पास एडिटर होना चाहिए, इसको बोलते हैं वीवीई, विजुअल बेसिक एडिटर। इसमें आपके जी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टीज दो ऑप्शंस होने चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप यहां से ला सकते हो। प्रॉपर्टी के लिए F4 है, इस पे क्लिक करो या फिर F4 प्रेस कर दो, एंड प्रोजेक्ट के लिए आपको कंट्रोल R है या फिर इस पे क्लिक कर दो। अगर यहां पे ना हो तो व्यू के अंदर में जाके आप ला सकते हो प्रोजेक्ट एंड प्रॉपर्टी, दो चीज होना जी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग हम कहां करेंगे, इस चीज को जाने, हम कोडिंग करूंगा कहां पे, तो देखिए यहां पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं, यहां पे भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करना है। ये आपके जितने भी सीट्स होंगे वो सीट के लिस्ट होगा यहाँ पे, तो जिस पे करना है उस पे भी क्लिक करके आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस पे करने पे, कि अगर मान लीजिए कि मैंने सीट 13 मतलब कि IT पे जाके कोडिंग कर दिया, तो इसी पर्टिकुलर सीट पे परफॉर्म करेगा, दूसरे सीट का रेफरेंस नहीं लेगा, और इस सीट को डिलीट किया तो वो भी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगा, अब कोड भी उड़ जाएगा। आया समझ में? नहीं समझ में आया? हाँ सीट आया। C15 है ना आपका, जो C15 पे आपने जो कोड कर रखा है, अगर C15 को मैं डिलीट किया तो उसकी कोड भी आपकी उड़ जाएगी। तो कोडिंग कहाँ करते हैं, तो हम मॉड्यूल्स में करते हैं। मॉड्यूल्स हाँ, तो मॉड्यूल्स में करते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फिर इस पे कोडिंग नहीं होगी, इस पे हम कोडिंग करते हैं लेकिन इसके इवेंट की कोडिंग करते हैं, ठीक है, इवेंट की कोडिंग करते हैं, जो कि मैं आगे क्लास में बताऊंगा। तो मॉड्यूल्स में हमेशा आप यूज कीजिएगा। मॉड्यूल्स के दो फायदे हैं कि इसके कोड को एरेज के तौर पे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली, और इसमें मैं फॉर्मूला फंक्शन माइक्रो हर चीज बना सकता हूं। अब माइक्रो डिक्लेयर करना है आपको कैसे करोगे, जैसे मुझे पब्लिक माइक्रो डिक्लेयर करना है तो मुझे यहाँ पे सब और यहाँ पे आप माइक्रो नेम, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया रवि या जो भी, या कॉपी कुछ इस तरह का जो है आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। देन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज एंटर प्रेस कीजिएगा तो एंड सब आ जाएगा। कोडिंग इसी के बीच में आपको करनी है। अब याद रखिएगा माइक्रो नेम में ध्यान रखिएगा कि आप 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नहीं डाल सकते हो, या फिर स्पेस, जैसे कॉपी टूडे एक गलत हो जाएगा। इसके बीच में डॉट कॉमा ये सब यहां एक्सेप्ट नहीं करेगा। हाँ, अंडरस्कोर आप डाल सकते हैं, कोई भी मतलब जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं, उसको आप लोग बोलते हैं स्पेशल करेक्टर्स, वो इसके अलावा, एक के अलावा दूसरा नहीं डाल सकते, ये गलत हो जाएगा फिर, तो इसी कोड ही एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरा, 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक, जैसे कि राजवन, ये नाम गलत है, एक गलत है। तो कैसे गलत है, क्योंकि इस नाम का आपके पास रेफरेंस है, राजवन नाम का आपके पास सेल रेफरेंस है, ठीक देखिए। है, तो इसलिए 3 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आप नहीं डालोगे। और दूसरी, कि जो माइक्रो ऑलरेडी बना रखी हो इस फाइल के अंदर में, वो फाइल माइक्रो नहीं होना चाहिए। एक फाइल के अंदर एक नाम से दो माइक्रो आप क्रिएट नहीं कर सकते हो। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट फाइल में डिफरेंट डिफरेंट सेम नाम के माइक्रो बना सकते हैं, बट एक फाइल में दो नाम के माइक्रोज आप नहीं बना सकते। तो माइक्रोज के नेमिंग में तो समझ में आ गया। जी उधर से फंक्शन डिक्लेयर करना आपको, तो फंक्शंस के लिए आप फंक्शंस फंक्शंस नेम, जैसे मैंने बोल दिया लुकअप, लुकअप नहीं हो सकता, लुकअप ऑलरेडी है, तो जो मैं फंक्शन ऑलरेडी है वो आप नहीं क्रिएट कर सकते, जो फॉर्मूला ऑलरेडी है। हाँ, लुकअप ऑल कर दीजिए। देन इसमें आपको डालना पड़ेगा इनपुट्स, इनपुट्स मतलब समझे, आप इफ का फॉर्मूला लगाते हैं ना, हाँ इफ के फॉर्मूले में कितने इनपुट्स है, 3 इनपुट्स है ना, लॉजिकल टेस्ट देना है, वैल्यू ट्रू वैल्यू फॉल्स। ऐसे यहां पे आपको कितने जब फॉर्मूला लगाएगा तो कितना इनपुट होना चाहिए वो डिफाइन करना है आपको। तो अभी यहां पे मैंने एक डिफाइन किया है कि रेंज होगा एक, अब इसमें रेंज स्ट्रिंग वेरिएबल्स बहुत सारे होते हैं, फिलहाल आप इस चीज को छोड़ दीजिए, कि जो भी यहां डिफाइन कीजिएगा वो आपको इनपुट देना पड़ेगा। तो फंक्शन इस तरह से डिफाइन करते हैं। अच्छा
यूजर फॉर्म के लिए आप सिंपल इंसर्ट एंड यूजर फॉर्म चले जाइएगा, तो यूजर फॉर्म आपका डिक्लेयर हो जाएगा, यहाँ पे दिख जाएगा। एंड दूसरा चीज यहाँ पे कि आप पर्सनल पब्लिक पर्सनल मैक्रो कैसे बनाओगे, तो पर्सनल मैक्रो का आप डायरेक्ट डिक्लेयर नहीं कर सकते, आप उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करके ओके करके फिर स्टॉप करके फिर अपनी कोडिंग जो डालना है डाल दीजिए, लेकिन डायरेक्ट आप डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने आपके साथ डिस्कस किया रिकॉर्डिंग मैक्रो करके उसके कैसे हम एडिट करेंगे, टाइप ऑफ मैक्रो क्या है एंड डिक्लेरेशन ऑफ मैक्रो, तीन टॉपिक में हम आपके साथ आज डिस्कशन किए। एंड चौथा था प्रिपरेशन ऑफ स्टार्टिंग मैक्रो, कि आप स्टार्ट करने से पहले किस तरह का प्रिपरेशन करेंगे। ये टॉपिक हमने आज की इस क्लासेस में कंडक्ट किए। अभी आपके पास होमवर्क ए है कि जैसे मैंने अभी रिकॉर्डिंग मैक्रो में मैंने आपको दो मैक्रो बताया, दो मैक्रो के एग्जांपल बताया ना, एक तो हमारा पिवट से रिलेटेड था, दूसरा हमारा फिल्टर से रिलेटेड था। आप मुझे इसी तरह का तकरीबन 5 से 10 रिकॉर्डिंग मैक्रो का एग्जांपल बना के दे, जिसका एक मीनिंग हो, जिसका एक यूज आपको पता चले। ऐसे रिकॉर्ड करके कुछ कुछ कीमत भेजिएगा, इसका एक मीनिंग हो और इसका एक यूज समझ में आए। ठीक है ना, ये मुझे बना के भेजिए, फिर कल हम आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे, जो कि होगी आपका माने कि ऑब्जेक्ट्स एंड मेंबर्स के बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और प्रोग्रामिंग कैसे लिखते हैं वो हम आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। सर आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी, मैं थोड़ी देर में आपको अपलोड करके भेज। तो दोस्तों देखा किस तरीके से मैंने अभी मिस्टर शुभम कौशिक को सुबह के 6 बजे मैंने उनको ट्रेनिंग दिया वीवीए मैक्रो के ऊपर, तो आप इसी तरह से मेरे साथ क्लासेस ले सकते हैं लाइव, और अपने डाउट्स और अपने जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं वो लाइव हाथों हाथ डिक्लेयर कर सकते हैं अपने डाउट। तो ये क्लासेस लेने के लिए आप मुझे कॉल कर लीजिए, या फिर मेरी वेबसाइट www.iptindia.com पे जाके आप डेमो क्लासेस का फॉर्म भर दीजिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड कीजिए। अगर आपको मेरे साथ क्लासेस लेनी है तो मुझे कॉल कीजिए, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ताकि जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा आपको मिलते जाए, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।